आज हम आपको 15 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जो कि हमारे सामान्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे कामों को करने की ज़रूरत होती है जो कि हम सोचते रहते हैं कि ये हम कैसे करें ताकि हमारा जो ये काम है वो बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो जाए। तो आज हम आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जहां पर आप अपना जो डेली वर्क है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन 15 वेबसाइट्स का उपयोग करके अपने डेली वर्क को इजी बना सकते हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है zemzar.com। अभी हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमारी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके बहुत ही काम आ सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। zemzar.com जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये वेबसाइट ऐसी है कि आप इस वेबसाइट में किसी भी फॉर्मेट की फाइल को किसी भी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, एफएलएसी टू एमपी3, डॉक टू पीडीएफ, ईयूपी टू पीडीएफ, एमपी4 टू एमपी3, पीडीएफ टू डॉक, वेव टू एमपी3, एमकेवी टू एमपी4, यानी कि आप किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्मेट की, किसी भी एक फाइल को आप किसी भी दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यूआरएल कन्वर्टर है, तो आप किसी वेबसाइट के यूआरएल को, यानी कि आप किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को आप किसी भी दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जेपीजी, तो आप एक वेबसाइट के यूआरएल को, हाइपरलिंक को आप जेपीजी फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जिसका उपयोग करके आप किसी भी तरह की फाइल को, चाहे वो पीडीएफ फाइल है, जेपीजी फाइल, यूआरएल है, या एमपी3 फाइल है, एमपी4 फाइल है, या किसी भी तरह की कोई भी फाइल है, आप उसको किसी भी तरह के दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी दूसरी वेबसाइट। हमारी दूसरी वेबसाइट है mailinator.com। चलिए इसे ओपन करते हैं। mailinator.com हमारी एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर आप एक टेम्परेरी मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक टेम्परेरी ईमेल आईडी क्रिएट करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से एक मेल मंगवाना चाहते हैं, एक ईमेल मंगवाना चाहते हैं, लेकिन आप वहां पर अपनी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है उसको आप नहीं देना चाहते, नहीं शो करना चाहते। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी वेबसाइट में साइन अप कर रहे हैं जहां से हमको बाद में नोटिफिकेशन, ई लेटर्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहां पर हमारी एक तरह की सब्सक्रिप्शन हो जाती है और हमारा जो मेल बॉक्स है वो फुल हो जाता है ऐसी अनइम्पॉर्टेंट ईमेल से। तो यहां पर आपको एक ऐसी ईमेल आईडी प्रोवाइड हो सकती है, यहां पर आप एक ऐसी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, बहुत ही कम टाइम के लिए वो ईमेल आईडी बनी रहेगी और उसके बाद वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। यानी कि यहां पर आप एक टेम्परेरी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आप उसे यूज कीजिए और उसके बाद वो ईमेल आईडी अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी थर्ड वेबसाइट। हमारी तीसरी वेबसाइट है दोस्तों privatenot.com, privnot.com। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों कि अगर आप किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां पर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप इस वेबसाइट के जरिए वो इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रहेगी और किसी भी
थर्ड पर्सन को जो वो इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर नहीं की जाएगी। यहाँ पर जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसके ऊपर एक पासवर्ड लग जाता है, आप वहां पर एक पासवर्ड आपका बन जाता है, और जिस भी दूसरे पर्सन को आप वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे वो तभी उस इंफॉर्मेशन को ओपन कर पाएगा जब उसके पास वो पासवर्ड होगा। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो व्हाट्सएप, ईमेल आईडी वगैरह से शेयर करने पर भी थोड़ी सी उनका जो सिक्योरिटी इशू हो जाता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम इस वेबसाइट के जरिए आसानी से शेयर कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है। तो चलिए देखते हैं हमारी तीसरी वेबसाइट के देखते हैं हमारी चौथी वेबसाइट के बारे में। हमारी चौथी वेबसाइट है दोस्तों disposablewebpage.com। ये हमारी एक ऐसी वेबसाइट है, जैसे कि अभी हमने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया mailinator.com, वहां पर आप अपना एक टेम्परेरी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको कुछ समय के लिए ही यूज में रहेगा। और ये हमारी एक ऐसी वेबसाइट है disposablewebpage.com, यहां पर आप एक टेम्परेरी पेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी शादी समारोह के बारे में या किसी भी एक उत्सव के बारे में या कोई भी आप एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, उस प्रोग्राम के बारे में आप जब लोगों को इनविटेशन भेजना चाहते हैं तो यहां पर आप एक टेम्परेरी जो वेब पेज है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को आप वो वेब पेज सेंड कर सकते हैं एज एन इनविटेशन। तो ये वेबसाइट है दोस्तों जिसका यूज करके आप टेम्परेरी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट। हमारी अगली वेबसाइट है simplynoise.com। ये हमारी एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर आपको बहुत ही वैरायटी में ऑडियो फॉर्मेट्स में कई तरह के जो साउंड्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, जैसे कि बारिश का साउंड है, बच्चों के किलकारने का साउंड है, या किसी पक्षी का साउंड है। तो यहां पर आपको बहुत तरह के जो साउंड्स हैं, बहुत तरह की जो नॉइसेस हैं वो आपको यहां पर अवेलेबल होंगी और आप उनका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट। हमारी अगली जो वेबसाइट है दोस्तों वो भी बिल्कुल सिंपली नॉइज वेबसाइट की तरह है। इस वेबसाइट पर भी आपको तरह तरह के जो साउंड्स हैं, तरह तरह की जो नॉइसेस हैं वो आपको अवेलेबल होंगी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको रेन के नॉइसेस हैं, बादलों के नॉइसेस हैं, वेव्स का साउंड है, विंड का साउंड है, फायर का साउंड है, वाइट नॉइस, सिंगिंग बॉल, कॉफी शॉप, क्रिकेट्स, बर्ड्स, यानी कि आपको यहां पर बहुत ही तरह तरह के जो साउंड्स हैं वो आपको यहां पर अवेलेबल हैं। आप उनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनका यूज कर सकते हैं। चलिए हमारी अगली वेबसाइट पर चलते हैं, manualslip.com। manualslip.com दोस्तों हमारी एक ऐसी साइट है जहां पर आप किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का मैनुअल जो होता है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एयर कंडीशनर परचेज किया और हमसे उसका जो यूजर मैनुअल है वो हमसे खो गया, तो यहां पर आप अपना प्रोडक्ट सर्च कीजिए और उसका जो यूजर मैनुअल है वो आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप यहां पर सीख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस तरह यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट के बारे में। हमारी अगली वेबसाइट है newsmap.jp। हमारी ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर आपको हर तरह की न्यूज अवेलेबल होगी। हमारी इस वेबसाइट पर न्यूज जो है वो आपको, आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर जो न्यूज है वो सेगमेंट्स में अवेलेबल है। जिस न्यूज का जो कॉलम है, जो बॉक्स का साइज है वो बड़ा होगा, उसका मतलब है कि वो न्यूज ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और जिस न्यूज का जो कॉलम का साइज है, जो बॉक्स का साइज है वो छोटा होगा, तो वो न्यूज थोड़ी सी कम ट्रेंडिंग में है। बाकी आपको यहां पर हर तरह की न्यूज, चाहे वो नेशनल न्यूज है या इंटरनेशनल न्यूज है, आपको हर तरह की जो न्यूज है वो आपको यहां पर मिल जाती है, वो आपको यहां पर अवेलेबल होगी। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर आपको कुछ कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड की न्यूज चाहिए आपको, नेशनल न्यूज चाहिए, बिजनेस की न्यूज चाहिए,
टेक्नोलॉजी की न्यूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स की न्यूज़ चाहिए, एंटरटेनमेंट की चाहिए या हेल्थ की चाहिए, तो आप यहाँ पर उसी तरह अपनी न्यूज़ को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह की न्यूज़ आपको चाहिए होगी वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट जो कि है accountkiller.com। ये जो हमारी वेबसाइट है दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आजकल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम फेसबुक पर या जीमेल पर या किसी भी एक ऐसी वेबसाइट पर, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, टम्बलर है, लिंक्डइन है, हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं और बाद में उन अकाउंट्स को डिलीट करने में हमको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी तरह का अपना ईमेल अकाउंट, किसी भी तरह का अपना सोशल अकाउंट आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको अपना किसी भी तरह का जो अकाउंट है, जैसे वो व्हाट्सएप का अकाउंट है, माई स्पेस, जी मेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, टम्बलर, यहाँ पर फेसबुक, जूस, स्काइप, ट्विटर, यहाँ पर आपको हर तरह का जो अकाउंट है वो आप इस वेबसाइट के जरिए डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट के बारे में जो कि है twofoods.com। चलिए इसे ओपन करते हैं। twofoods.com एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर आप दो फूड्स को, दो तरह के आप खाद्य पदार्थों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसे दो फूड्स हैं आपके पास जिनको आप कंपेयर करना चाहते हैं कि किस फूड्स में लेस कैलोरीज हैं और किस फूड में ज्यादा कैलोरीज हैं, तो आप इस वेबसाइट के जरिए आप अपने खाद्य पदार्थों को कंपेयर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट जो कि है pdfmerge.com। pdfmerge.com हमारी एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर आप अपनी पीडीएफ फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3-4 पीडीएफ फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो पीडीएफ फाइल्स मर्ज हो जाएं और वो एक ही पीडीएफ फाइल बन जाए, तो आप इस वेबसाइट के जरिए अपनी पीडीएफ फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं और उनको एक ही फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट जो कि है savr.com। तो दोस्तों, हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है savr.com। दिस इज अ मॉडर्न वे टू सेव योर फाइल्स। आप इस वेबसाइट में रजिस्टर करके अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को अगर आप चाहें तो इसमें सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी उन फाइल्स को किसी भी दूसरे डिवाइस में आसानी से ओपन कर सकते हैं। यानी कि आप अपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल को किसी भी दूसरी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं विदाउट रिमोट एक्सेस। यानी कि इस वेबसाइट के जरिए आप उस फाइल को इसमें सेव कर सकते हैं और आप उसको किसी भी दूसरी जगह पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी दूसरी डिवाइस में। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे ऑफिस में मान लीजिए कि 2 से 3 कंप्यूटर्स होते हैं और हम अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर करना चाहते हैं विदाउट नेटवर्किंग, तो हमें ईमेल का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि हमको डेटा जो है वो ईमेल से एक दूसरे के पास में ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन आप इस वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस अकाउंट को आप तीनों कंप्यूटर्स पर ओपन कर लीजिए और तीनों कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो आप इस साइट के माध्यम से आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि ये आपको एक वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देती है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली वेबसाइट के बारे में। हमारी अगली वेबसाइट है printfriendly.com। चलिए इसे ओपन करते हैं। printfriendly.com दोस्तों हमारी एक ऐसी साइट है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम सभी लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं अपने किसी भी टॉपिक के बारे में और जब हम उस टॉपिक का रिजल्ट जब हमारे सामने आता है और कई बार जब हम उसको प्रिंट करने की सोचते हैं उस रिजल्ट को, तो उस रिजल्ट के साथ कई तरह के अनयूजुअल
जो हाइपर लिंक्स हैं, जो इमेजेस हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें उसके साथ प्रिंट हो जाती हैं जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। तो इस वेबसाइट का प्रयोग करके आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, उसी चीज को सॉरी आप प्रिंट कर सकते हैं जो कि आपके लिए नेसेसरी है, और कुछ भी अनयूजुअल थिंग आपके जो प्रिंट में वहां पर शो नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने सर्च किया अबाउट इंडियन विकिपीडिया और हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी अगर मैं यहां से इसका प्रिंट देना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इसका प्रिंट देना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सी अननेसेसरी थिंग्स जैसे कि ये साइड की जो इमेजेस हैं ये भी साथ में प्रिंट होंगी जिसको कि हम प्रिंट करना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसका यूआरएल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहां पर इसका यूआरएल पेस्ट करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। योर प्रिंट फ्रेंडली पेज इज जनरेटिंग। अब यहां पर आपको बहुत से ऑप्शंस यहां पर प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, या आप इसको सीधा प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो इमेजेस हैं वो अलग से हो गई हैं। हम आपको यहां पर दिखा देते हैं, आप देखेंगे कि हमारे जो इमेजेस और हमारे जो हाइपर लिंक्स थे हमारे पेज में वो अलग हो गए हैं, और हमारी जो थ्योरी है, जो हमारा टेक्स्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो अलग हो गया है। तो यानी कि इसने सेग्रीगेट कर दिया है हमारे टेक्स्ट पार्ट को और हमारे अनयूज्ड और हाइपर लिंक्स को। तो आप इसको आसानी से सेव कर सकते हैं बाय पेज नंबर्स, यानी कि आपको कितने से कितने पेज तक speedreader.com। दोस्तों हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी रीडिंग की स्पीड को इंक्रीज कर सकती है, यानी कि आप जो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहां पर आप अपना कोई भी एक खुद का पैराग्राफ जो है वो आप यहां पर पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप स्पीड रीड पर क्लिक कीजिए। स्पीड इज द आर्ट ऑफ, यानी कि आप यहां पर अपने हिसाब से अपनी जो रीडिंग की स्पीड है वो आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपको वर्ड बाय वर्ड यहां पर शो करेगा और आपकी जो रीडिंग स्पीड है अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि रीडिंग स्पीड रीडिंग 597 वर्ड्स एट 300 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि ये 300 वर्ड्स आपको यहां पर शो करेगा पर मिनट रीडिंग के लिए। तो यहां से आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो आप यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, जो रीडिंग की स्पीड है उसको आप यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली और लास्ट वेबसाइट के बारे में। हमारी सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है slideshare.net। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पर और किसी भी फॉर्मेट में आप यहां पर ओपन कर सकते हैं, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर सर्च करता हूं फंडामेंटल्स ऑफ आईटी और एंटर कर देता हूं। अभी आप देखेंगे कि यहां पर हमको बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो यहां पर शो हो गए, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ रोबोटिक मैनिपुलर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स, यानी कि बहुत से ऐसे रिजल्ट हमको यहाँ पर शो हो गए जो कि हमारी क्वेरी से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर आप इन रिजल्ट से रेफरेंस ले सकते हैं अपने कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, या आप यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उनको रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एजुकेशनल मटेरियल है वो बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। दोस्तों तो ये थी हमारी 15 वेबसाइट्स, जिन वेबसाइट्स के बारे में अभी आपको पता लगा है, और आप ये सोच रहे होंगे कि काश इन वेबसाइट्स के बारे में हमको पहले पता होता। तो यूज कीजिए इन वेबसाइट्स को अपने डेली लाइफ में, और अपना जो काम है आप उसको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। लाइक कीजिए हमारी वीडियोस अगर ये आपको पसंद आई, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन वेबसाइट्स का फायदा उठा सकें।
और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर न्यू।